नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए जान लेते हैं 28 जनवरी 2022 के ऑल इंडिया मक्का भाव क्या रहे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के कोटा की 1934 रुपये, टोंक में 2300, चित्तौड़गढ़ में 1920, अजमेर में 1960, बारा में 1760, बूंदी में 1900, चित्तौड़गढ़ में 2000, टोंक के देवली में 2100, महाराष्ट्र में जलगांव में 1700, पुणे में 2100, धुले में 1925, अमरावती में 1725, मध्य प्रदेश के सीहोर में 1852, छिंदवाड़ा में 2000, धार में 1925, इंदौर में 1971, शाजापुर में 1800, विदिशा में 1855, खरगोन में 1908, शाजापुर में 1750, राजगढ़ में 1917, धामनोद में 1901, बैतूल में 2000, मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1960, डिंडोरी में 1650, रतलाम में 1900, विदिशा में 1800, जबलपुर में 1980, देवास में 1860 और तेलंगाना के रंगारेड्डी में 1870, निज़ामाबाद में 1870, तेलंगाना के मेदक में 1980, येलांडू में 1870, करीमनगर में 1960, दम्मापेट में 1700, तमिलनाडु के विलुपुरम में 1990, ईरोड में 1951, नमक्कल में 2000, डिंडीगुल में 2200, कोयम्बटूर में 1980, सालेम में 1680, विलुपुरम के कालकुरिची में 1990 का भाव रहा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 1875, धमतरी में 1500, गटासिली में 1500, बोराई में 1500 का भाव रहा। गुजरात के पंचमहल में 1500, दाहोद में 2000, बनासकांठा में 2000, अमरेली में 1750, भरूच में 1700, साबरकांठा में 2000, राजकोट में 1750, दाहोद में 2000, कर्नाटक के बेलारी में 2000, धारवाड़ में 1876, बेंगलोर में 2300, ओडिशा के नवरंगपुर में 2350, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 1870, फरुखाबाद में 1730, गाज़ियाबाद में 1950, एटा में 1940, आगरा में 1760, कानपुर में 1870, मेरठ में 1915, बहराइच में 1770, अलीगढ़ में 1790, मैनपुरी में 1810, कानपुर में 1750, अलीगढ़ में 1780, मैनपुरी में 1830, गोंडा में 1790, बलरामपुर में 1900, गाज़ियाबाद में 1890, कायमगंज में 1720, शामली में 1980, वाराणसी में 1935, सहारनपुर में 1940, कन्नौज में 1760, एटा के कासगंज में 1920, हरदोई में 1840, गौतम बुद्ध नगर में 1890, लखीमपुर में 1760, माधोगंज में 1820, संडीला में 1850, बहराइच में 1800, औरैया में 1800, कानपुर में 1750 और आंध्र प्रदेश के कुरनूल के नंदी कोटपुर में 1850 का भाव रहा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।